पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को साधने के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत फिर से एक काम करने जा रही है, जहां पर लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता के घरों पर भेजेगी और उनसे जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने की बात करेंगी। जानते हैं कि आखिरकार जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है वो कितनी कामयाब होने वाली है, इस पर विचार करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई साहब से कि सबसे पहले जान जाए, भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बना रही है, उसकी प्लानिंग ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं तक जाएगी, लोगों तक जाएगी और उनसे जानेगी कि आखिरकार मुस्लिम समाज को कितना फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से मुस्लिमों को कोई फायदा नहीं मिला है। ये सब इलेक्शन का वो है कि वोट लेना है। आज तक मुसलमानों का वोट ही लिया है लोगों ने और कोई काम मुसलमानों को नहीं आई, कोई पार्टी नहीं आई, कोई भी पार्टी नहीं। लेकिन सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने मुस्लिमों को लिए लगातार काम किया है, लगता है। देखिए, मोदी जी ने जब सरकार बनी है तो कहा था कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान रहे, वो ये कह रहे थे। अब कह तो दिया उन्होंने, क्योंकि वो पार्टी जो है जुमलेबाज पार्टी है। अमित शाह जी ने कहा था हम जुमला कहते हैं, हम पंद्रह लाख अकाउंट में नहीं देते, हम जुमला देते हैं। वो ठीक है, वो उनका अपना तरीका है बात करने का। तो अब धरातल पर क्या हुआ है, धरातल पर ये हुआ है कि मुसलमानों को लोन नहीं मिलते, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता, मुसलमान सरकारी नौकरी में कितने आ गए आप दिखा दें। सरकार के पास आंकड़ा होगा कि कितनी सिपाही भर्ती हुई, कितनी डॉक्टर्स की भर्ती हुई, कितनी दरोगाओं की भर्ती हुई, आप दिखाइए कि उसमें कितने मुसलमानों को उसमें नौकरी दी गई। तो ये जो 24 का जो एक पूरा एजेंडा तैयार किया है कि अल्पसंख्यक मोर्चा अब लगातार लोगों के घर जाएगा, मुस्लिम समाज में जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, क्या लगता है कितना सफल है? कुछ नहीं, एक स्वयं रचाया जा रहा है। देखिए, महाभारत का दौर शुरू हो गया है, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, चुनाव ये वो बयानबाजी, 24 का चुनाव है, रण शुरू हो गया है। तो उसमें साम दाम दंड भेद झूठ इल्ज़ाम सब लगाए जाएंगे और उनको ये जिनके ऊपर जुल्म करा जा रहा है उनको ये बताया जाएगा, उनको ये समझाया जाएगा बड़ी मीठी मीठी बात करके कि हम तो तुम्हारे हितैषी हैं, जो भक्षक हैं उन्हीं को रक्षक बताया जाएगा। ये पूरा एक तरीका है, पूरा फॉर्मेट है ये। और ये खाली इसमें बीजेपी शामिल नहीं है, ये कांग्रेस की ने इसकी बीज बोए थे जो आज बन गए, मॉन्स्टर बन गया पूरा। 2024 का इलेक्शन है, सीधे तौर पर बात की जाए, कितना मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाला? यार एक बात बताइए, आप बार बार ये जुमला कह रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों को रुझा रही है, आज तक मुसलमानों को तो हर पार्टी ने रुझाया है। नहीं, वोट नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला ना? नहीं, ये आप इस्लाम कैसे कहते हैं? इस बार जो चुनाव हुआ स्थानीय निकाय का, क्या मुसलमान ने वोट नहीं दिया बीजेपी को? हालात देखिए ना मुरादाबाद में, अगर देखो तो। अरे भाई, मिला तो सही, कोई परसेंटेज मिला तो सही। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए एक बात समझ लीजिए, आज तक मुसलमान को तमाम सियासी पार्टियों ने वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया, किसी ने मुसलमान के लिए कुछ किया नहीं। आज सुकन्या लाए, आयुष्मान कार्ड लाए, 3 तलाक जैसा बुरी चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया, आज औरत भी सेफ है, आज योजनाओं का फ़ायदा मुसलमान को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, हर कौम के लोगों को मिल रहा है। तो ये इल्ज़ाम लगा देना सियासी लोगों का कि भाई नहीं मिल रहा है, तो गलत है, एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं, इस्लाम का जो चेहरा कुछ लोग बदनाम कर रहे थे, कट्टरपंथी लोग, PFI जैसे संगठन, उस संगठन को इस सरकार ने बैन किया, और बैन ही नहीं किया बल्कि उससे आगे बढ़ के काम किया कि सब लोगों ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाए हैं। मुसलमान कितने लाभ में है भारतीय जनता पार्टी के साथ? हर मुसलमान लाभ में, जिसे जो योजना मांग रहा है उस योजना का लाभ मिल रहा है, बता दीजिए किसको नहीं मिल रहा। कांग्रेस से है क्या कहेंगे, सरकार के साथ में बहुत सेफ है मुसलमान? ये तो मैं बहुत गहराई से नहीं कह सकता, जिन लोगों को लगता है उन लोगों को लगता है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कि आपकी पार्टी क्या सहूलियत नहीं दे पाई? हमारी पार्टी ने जो दिया वो देश ने देखा, और जो अब है वो भी देश देख रहा है। जो लोग ये कहते थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यदि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हुआ होता तो घर घर जाने की नौबत नहीं आती। नहीं, कहना चाहता हूँ बिल्कुल ठीक बात है। आप कुछ बता रहे थे, क्या बताने वाले? देखिए, कांग्रेस ने हमें बाबरी मस्जिद दी, ठीक, ताले खुलवाए। मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने, मतलब मोदी जी नहीं कहना चाहिए, उनकी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को ढाया। अब वो हमें दे रहे हैं योजना, दे रहे हैं हमें, वो एनकाउंटर मुसलमानों के होते हैं, बुलडोजर मुसलमानों पर चलता है, ठीक, जेलों में मुसलमान जाते हैं। आप अभी मुरादाबाद की जेल जाके चेक कर लीजिए कितने परसेंट मुसलमान हैं। आबादी हमारी 20% उत्तर प्रदेश में, देश में है 15% और जेलों में है हम 20-25%। भाई साहब की कितनी बात से कितना सहमत है, क्या लगता है? किस बात से क्या लगता है कि आपको अभी फ़िलहाल अगर मुसलमान कितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में से?
देखिए बिल्कुल भी जो है मुसलमानों को तो लाभ मिले ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और पार्टियों ने भी सिर्फ जो है मुसलमानों को तेज पास के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है कि जो होता है तेज पास का पत्ता डाला और उसको जो है स्वाद आ गया फिर उसको निकाल के बाहर फेंक दिया भाई, इतना काम जो है सिर्फ मुसलमान का रह गया है बस, उसको जो है सिर्फ नमक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि स्वाद अनुसार आप नमक डालेगा आदमी फिर निकाल के फेंक देगा फिर। मैं बात पूछ लेता हूँ, तेज पात का पत्ता बता दिया क्या ऐसा है? ये तेज पात का पत्ता वाला जो एग्जाम्पल दिया है ना, तो ये समाजवादी के लिए और कांग्रेस के लिए और पार्टियों के लिए है, भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भाजपा अगर ऐसा करती तो आज मुसलमान महिलाएं साथ में खड़ी नहीं होती और मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। कितना 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 बदलाव आया अगर बात करें, कितना बदलाव है? बदलाव है यहाँ 50% से ज़्यादा बदलाव है, क्योंकि महिलाएं देखिए सेफ हैं, मैं यहाँ सेफ हूँ, खड़ी हूँ यहाँ पर। आप देखिए सारे मुस्लिम एरियों में जाकर देखिए कि भाजपा का झंडा गड़ा हुआ है, और जो पहले लोग वोट देना पसंद नहीं करते थे वो लोग आज के टाइम में भाजपा को वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए अच्छे काम किए हैं और लोगों के लिए भी अच्छे काम किए हैं। जो आज खड़े होकर यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई नहीं किया नहीं किया, वो लोग भी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से हैं आप, 2024 का सीधा टारगेट है, लगता है कि अब जो योजना लगातार लेकर आ रही है, अल्पसंख्यक विभाग अब आगे बढ़ेगा और मुस्लिमों को रिझाने में कितना सफल रहेगा? मतलब रिझाने का मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम को लेके ही चल रही है जब से आई है। ये तो लोगों ने, ये तो सिर्फ एक राग कहते हैं ना पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स है जो मुसलमानों को अब बहकाने वाला काम कर रही है कि भाई लेके चल रही है, लेके नहीं चलती, लेके चलती है। क्या लगता है कि अभी आपने कहा अल्पसंख्यक मोर्चा, वो खुद क्यों नहीं आ रहे, अल्पसंख्यकों क्यों जाएंगे? मोदी जी खुद किसी ठाकुर साहब को क्यों नहीं भेजते, राजनाथ सिंह जी को क्यों नहीं भेजते, उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं ना, स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं भेजते, केवल अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के पास भेजने का काम कर रहे हैं। वो सीएम आए तो उन लोग उनका स्वागत करेंगे, और जहाँ तक अभी उन्होंने कहा कि लोग अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग दल, लेकिन मैंने फिर वही मैं उसी जुमले पे जाऊँ जो कहते थे सबका साथ सबका विकास, अगर वो ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करते तो देश की जनता उनके साथ खड़ी होती और उनके घर घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज जो उनको घर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, उन्होंने ये राहुल गांधी से सीखा है कि जो 4,000 किलोमीटर की यात्रा थी उसने जो तूफान देश के अंदर मचाया जनता के बीच उसका असर। अभी एक ओवैसी साहब की पार्टी की बात कर रहे थे, वो जो पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं अभी आंध्र प्रदेश चुनाव लड़ाकर आया हूँ और मैं तेलंगाना में उस सीट पर था जिस सीट पर मुसलमानों का 80% एरिया में वो जाना नहीं पसंद किया, और जब उन्होंने किया तो उन्होंने अपना गठबंधन उस TRS के कैंडिडेट के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ खड़ा कर दिया, और जब वहाँ हालात बने तो बोले भाई हमारा कुछ नहीं। अरे वही साहब, आप अगर इतने बड़े लीडर हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटें क्यों लड़ाते हैं, आप उत्तराखंड के अंदर क्यों सीटें लड़ाते हैं, आप केवल एक लोकसभा सीट के ऊपर लड़ा कर लोग कहते हैं कि केवल ये मुसलमानों को गुमराह करने का काम जो ओवैसी साहब ने किया है, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ओवैसी साहब अब आप ये काम छोड़ दिए, आपकी पोल खुल चुकी है, देश जान चुका है, आंध्र प्रदेश ने आपको नकार दिया है, आपकी जो सीटें थी उसे कम कर दिया है। जवाब दीजिए ओवैसी साहब को लगातार सीधा सवाल। कांग्रेस की पोल देखिए इतना कॉन्टेंट कमज़ोर है कि यहीं खुल जाती है फौरन। तेलंगाना में चुनाव लड़ा, ओसी साहब ने लड़ा, कांग्रेस ने लड़ा, बीजेपी ने लड़ा, सरकार किसकी बनी? बीजेपी की नहीं बनी। बीजेपी कितनी सीटें हैं वहाँ पे? बीजेपी की सारी सीटों को जमाना जब्त हुई है, 120 सीटें हैं वहाँ पे टोटल, और दस नहीं हुई, आपको ये नहीं मालूम 10 नहीं हुई है, 6 सीटें हैं, तो बाकी 110 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई है वहाँ पे। अपनी क़यादत का फ़ायदा ये पहुँचा, देखिए जाट की अपनी लीडरशिप होगी, दलितों की होगी, ठाकुरों की होगी, ब्राह्मणों की होगी, तथाकथित हिंदुओं की भी होगी, ठीक, अगर नहीं होगी तो मुसलमानों की नहीं होगी, क्योंकि मुसलमानों की अगर लीडरशिप खड़ी हो गई तो इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। कांग्रेस को वोट करने वाला ना कोई ब्राह्मण है ना कोई ठाकुर है, कोई वोट नहीं कर रहा इन्हें। कांग्रेस को यादव को, अखिलेश यादव को कोई वोट नहीं कर रहा सिवाय मुसलमानों के, तो सबके सब मुसलमानों की गर्दन पकड़े हुए हैं। बेचारा कमजोर आदमी है, एक जैसे टांग खींच रहा है, एक अब वो कह रहा भाई मेरे कपड़े फट जाएंगे, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास छत नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरी अपनी खुद की सुरक्षा नहीं है, अभी ट्रेन में चला जाऊं मेरी दाढ़ी देख के कोई मार देगा तब कौन सा बीजेपी वाला आएगा। अभी पद्मावत एक्सप्रेस में 2-4 महीने पहले ट्रेन में मुरादाबाद के एक आदमी को मारा गया, दाढ़ी टोपी थी उसके साथ, नंगा करके मारा गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए, कौन सा बीजेपी का आदमी पहुंच गया? और बीजेपी मुसलमानों की इतनी हितैषी है तो ठीक है, मुसलमान 15% हैं, आप 15% टिकट दिए मुसलमान बीजेपी में, आप दीजिए। सवाल सही है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, जवाब चाहिए। कांग्रेस के दौर में 1980 का फसाद मुरादाबाद में हुआ, देश के अंदर बड़े फसाद हुए, मुसलमान मारे गए, निहत मारे गए। उसके बाद समाजवादी गवर्नमेंट के अंदर मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, वहाँ भी मुसलमानों के साथ का उत्पीड़न हुआ। आज अगर दंगे नहीं हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये क्रेडिट सरकार को जाता है। 24 में फ़ायदा होगा, बिल्कुल 24 में फ़ायदा होगा। और आज मुसलमान सिर्फ इसी वजह से जुड़ रहा है
बीजेपी के साथ कि आज उसको पता लग गया है कि वो जो है यहाँ पर जो है वो सुरक्षित है मुसलमान। तो ये थे क्योंकि आरोप प्रत्यारोप कर जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि 2024 को लेकर जो बात चल रही है उसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार मुसलमान जो वोट है वो किधर जाने वाला है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।